जोरदार तालियां हो जाए रहुआ जी के लिए और आम्रपाली जी के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम वेलकम वेलकम। सो निरहुआ और आम्रपाली जी की जोड़ी जो है ये सुपरहिट जोड़ी है भोजपुरी फिल्मों की। ये साथ में लगभग मेरे ख्याल से बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं और मेरे ख्याल से जितनी भी फिल्में करी हैं ऑलमोस्ट फिल्मों में इन दोनों की लास्ट में शादी हो जाती है। अनहैप्पी एंडिंग। हाँ, और अब तो हाल ये हो गया कि निरहुआ आप जब किसी और के साथ भी फिल्म कर रहे होते हैं तो ये वहां भी शूटिंग खत्म करके इनके घर पहुंच जाते हैं। अच्छा निरहुआ, आम्रपाली आप दोनों साथ में कितनी फिल्में कर चुके हैं? आई थिंक हाँ 25 फिल्में। वाओ। और इतनी फिल्में एक साथ इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर लेते हैं आप? पांच साल में ही किया। पांच साल में 25 फिल्में। क्या बात, अक्षय पाजी सुन रहे हैं आप? आप साल में चार करते हैं या पांच कर रहे हैं? इसलिए अक्षय पाजी भी अभी भोजपुरी इसीलिए बनाना चाहते हैं। अच्छा हाँ। वाह क्या बात है। अच्छा निरहुआ और आम्रपाली तो यहाँ है ही, अब वक्त है भोजपुरी सिनेमा की दो और बहुत ज्यादा पॉपुलर हस्तियों को यहाँ पे इनवाइट करने का। सो प्लीज वेलकम दमदार धुआंधार और धमाकेदार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और साथ ही 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी सुपरस्टार द वेरी ब्यूटीफुल रानी चैटर्जी। आइए। वो नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या बात है, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। खेसारी लाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका रानी जी। अच्छा खेसारी लाल जी, आपके बारे में सुना, आपका नाम पहले शत्रुघ्न था। हाँ था लेकिन अब है नहीं। तो ऐसे बदल क्यों लिया आपने, मतलब क्यों? हमने नहीं बदला। अच्छा। किसने बदला फिर? लोगों ने बदल दिया। तो ऐसे क्यों, मतलब क्यों बदल दिया? हमको बीमारी है ज्यादा बोलने का। अच्छा आप ही की तरह मैं भी बहुत ज्यादा बोलता हूँ। अच्छा आपको मतलब मेरे को बीमारी है? एक हमारे यहाँ खेसारी होता है, वो खाने से पेट खराब होता है। अच्छा दाल होती है। मैंने इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लूज मोशन। अच्छा तो वही एक दाल होता है। अच्छा तो बिना खेती कहीं भी छीट दीजिए तो बराबर अन्न देता है वो। अच्छा, अच्छा। तो हम कहीं भी रहते थे तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते थे। अच्छा इसकी वजह से मैं पहले रामायण महाभारत गाता था तो झाल बजाता था, 10 रुपये मिलते थे मुझे। अच्छा जी। तो 10 रुपये मिलते थे, पूरी रात बजवाते थे सब। तो मैं बीच बीच में बहुत बोलता था, उसके वजह से मेरा नाम सब खेसरिया रख दिया। तो तब से ठीक है। क्या बात है, ठीक ही रहना चाहिए। अच्छा निरहुआ आपसे भी एक सवाल है जी। हमने जैसे हवा सुना है जी, वो देखो कितने खुश हो रहे हैं आप। बहुत खुश है। अच्छा हमने जैसे हवा सुना है, पौवा सुना है, महुआ सुना है, निरहुआ का मतलब क्या होता है? सर ये निरहुआ तो मान लीजिए आपने सुन लिया है जी। बहुत लोग जो नहीं सुने हैं, हाँ। जैसे मैं पहली बार शूटिंग कर रहा था। अच्छा जी। बलिया में, और गाना करने के लिए एक मास्टर जी आए थे नेपाल से। अच्छा जी। तो डांस मास्टर जी ने पूरा बना लिया, स्टेप बनाने के बाद बोले अब निहुरी जी को बुलाइए। तो मैं भी जहाँ खड़ा था वहां से ऐसे ही चल गया। मेरे साथ बहुत होता है। अभी दिल्ली में मैं गया था। अच्छा। तो वहाँ पे लोगों ने मेरा नाम दिया होगा कि ये आए हुए हैं, तो वो पहले पढ़े जिनको अनाउंस करना था। दिनेश लाल यादव निरहुआ। उनको लगा निरहुआ तो कुछ होता नहीं होगा, तो वो बोले तो हमारे बीच अब आ रहे हैं दिनेश लाल यादव नेहरुआ। लगभग मेरे साथ रोज ही होता है। पर निरहुआ जो नाम है आज एक एक इंसान के दिल में बसता है। रानी आपका नाम भी रानी ही था कि मतलब फिल्मों में आने के बाद हुआ रानी आपका? नहीं मेरा नाम भी चेंज है। अच्छा सब बहरूपी इकट्ठा हुए हैं। सर पहली ही फिल्म इन्होंने किया था मनोज भैया के साथ। अच्छा ससुरा बड़ा पैसा वाला। ससुरा, अरे वाह ससुरा बड़ा पैसा वाला। उस फिल्म की हीरोइन यही थी। वाह। और पहली फिल्म से ही इन्होंने यूपी बिहार पे राज किया। क्या बात। और इसलिए इनको रानी कहा गया। थैंक यू।
अमरपाली, आपका नाम भी अमरपाली है? मैं इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ, वो तीन लोग तो मुझे मिल गए। आप शुरू से अमरपाली थी? हाँ, मेरे घर वालों को शायद मेरे पैदा होते ही पता चल गया था कि हीरोइन ही बनेगी। अच्छा। तो पहले ही ऐसा डिफिकल्ट नाम रख दिया मेरा। अच्छा। अलग सा नाम आम्रपाली, जिसे स्कूल में सब पता नहीं क्या क्या बुलाते थे, आम वाली एंड ऑल ऑफ दैट। अभी अभी इनका एक नया नाम भी पड़ा है। क्या? अभी हम लोग फिल्म किए जिगर वाला। जिगर वाला, तो जिगर वाला में ये हैदराबाद से आती हैं पटना में। अच्छा। और वहाँ की लड़कियों को लेके छुप के बीड़ी पीती हैं। अच्छा। तो यूपी बिहार ने इनका नाम रख दिया धूम्रपाली। आइए, आप तो इतनी मजेदार बातें करते हैं, आज सारी रात बातें करेंगे। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको पता निरुवा जी, यहाँ पे मुंबई से हमारे बहुत सारे भाई जो हैं, जो रिक्शा चालक है, यहाँ पे आज आपके लिए आए हैं। वाह। सो बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा खेसारी जी, आपके बारे में सुना हम, आप जब स्टार नहीं थे तो उससे पहले आप लिट्टी चोखा बेचते थे? उससे पहले हम दूध बेचते थे। भैंस के। भैंस का दूध। यार बड़ी स्ट्रगल वाली कहानी है, मतलब खुशी होती मन को कि आपने कहाँ से उठ के शुरुआत करी और आज आप सुपरस्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। तो कैसे खेसारी जी, कैसे शुरू हुआ फिर? तो मैं बहुत छोटा था तो रबड़ वाला पैंट पहनता था। रबड़ वाला पैंट, इलास्टिक। हाँ। अच्छा, इलास्टिक वाला। हाँ, हमारी अंग्रेजी थोड़ा हैवी है इसलिए सॉरी। तो फिर तो मैं जैसे एक लीटर दूध लेके जाता था तो उसमें दो पौवा पानी मिलाता था। मिलावट वाला दूध बेचते थे? नहीं, बात तो नहीं था, 10 रुपया मुझे भी तो चुराना था। कैसे 10 रुपये क्यों चुराते थे? मतलब 10 रुपये मेरे लिए उस वक्त बहुत थे। अच्छा। तो 10 रुपये मिलता था तो भादो के मेला में जाता था। अच्छा। और जिलेबी खाता था। अच्छा। और फोफिया मिठाई खाता था। इनका पाजी वो जो दूध में पानी मिलाने वाला था। हाँ। उसमें एक कमाल का किस्सा था। एक बार ये पानी घर से मिलाना भूल गए। अच्छा। रास्ते में इनको याद आया। अच्छा। कि 10 रुपये चाहिए। पानी तो मिलाया नहीं। अच्छा। अब क्या करूं, अब जो दूध का डब्बा था। तो एक हम लोग के गांव में पोखरा होता है जैसे तालाब। अच्छा जी। हाँ। वहाँ साइकिल खड़ा किए, अपना डब्बा खोले और पोखरा में इधर उधर देके डब 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 भर लिए, भर के उसको बंद करके पहुंच गए बाजार में। सुबह सुबह एक औरत निकली, बोली अरे खेसारी जी थोड़ा 2 रुपये का दूध दीजिए। अब ये जैसे ही दूध देने गए तो उसमें छोटी सी एक मेंढक का बच्चा कूद गया। वो जैसे मेंढक का बच्चा कूदा, वो जो है दूध फेंक के भागे, क्या कर रहे हो, ये कैसा दूध है, इसमें से मेंढक का बच्चा कूद रहा है। तो ये बोले कि 2 रुपये का दूध लोगी, मेंढक का बच्चा नहीं तो हाथी का बच्चा कूदेगा। मैं एक्चुअली मैं भेज वालों के लिए दूध दे रहा था, नॉन भेज वालों के लिए मेढक लेके गया था। निरहुआ, हमने आपके बारे में सुना कि बचपन में निरहुआ को फिल्में देखने का इतना शौक था कि उनके पिताजी सो रहे होते तो उनके ऊपर चद्दर डाल के रात को फिल्म देखने चले जाते। सही बात है जी जी। तो यूपी बिहार में रात को कौन सी फिल्म देखने जाते थे आप? बताना पड़ेगा। हाँ। बताइए सर, क्या होता था जी कि गांव में कहीं बारात आई है। अच्छा। तो पहले वहां ना वीडियो चलता था। हाँ। कैसेट, वो वीसीआर में। हाँ जी। तो हम लोगों को पता चल जाता था कि यहाँ बारात आई है तो कोई ना कोई फिल्म आई होगी। अच्छा। तो हम लोग तैयारी करते थे और देखते थे, घर वाले जो है सो गए। अच्छा। तो हम जहाँ सोए हैं वहाँ तकिया रख के उसके ऊपर चद्दर वद्दर ओढ़ा के और निकल लेते थे। अच्छा। और फिल्म देख के सुबह आके हम लोग सो गए और पिताजी सुबह सुबह उठे, बोले ए उठ जाओ, कब तक सो रहा है, उनको मालूम नहीं अभी आके सोया है। अच्छा। और चूंकि पिताजी के साथ हम लोग अकेले रहते थे। अच्छा जी। तो पिताजी ने दाल वाल चढ़ा दिया और सब मसाला वसाला डाल दिया और उन्होंने कहा कि इसको ना पक जाए तो उतार देना। तो हम भी नींद में सही बोल रहे हाँ उतार देंगे। वो अपना चले गए खेतों में काम करने के लिए और जब वो लौट के आए तो हम तो सोए हैं, दाल जल के एकदम राख हो चुकी है। अच्छा। उसके बाद पिताजी मोटा सा डंडा उठाते थे
और दौड़ाना शुरू करते थे और कहते थे कि रतिया भर तो मीना कुमारी क्या रला। इसका मतलब क्या बताइए जरा क्या? उनका कहना यह था कि रात भर तो तुम मीना कुमारी के साथ थे, ये दाल अब कहां से हम खाएं। अच्छा आम्रपाली ने, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने इनके साथ बहुत फिल्में की, और खेसरी जी के साथ आपने एक ही फिल्म करी है ना? हाँ, उसमें भी एक स्पेशल सॉन्ग किया है। बस गाना इन्होंने किया था, मर्द अमर बच्चा बा, बच्चा है मर्द अभी बच्चा है, छोटा है अभी बच्चा है। अच्छा ऐसे क्यों, मतलब उनके साथ 25 फिल्में, उनकी एक भी नहीं पूरी करी, तो एक दूसरे को प्रमोट, ऐसा तो नहीं है एक दूसरे को प्रमोट करते हैं? आपको फिल्म मिलती तो आप इनका नाम ले देते, इनको तो एक दूसरे कमीशन तो नहीं मिलती आपको? अब से कमीशन लूंगी मैं। आइडिया दे दिया मैंने आपको? आपने आइडिया दिया, अभी आप मेरे को आइडिया की कमीशन देना ना। नहीं नहीं सर, अगर आपको आइडिया का कमीशन चाहिए तो मैं ये कहूंगा कि आप भी एक भोजपुरी फिल्म कर लीजिए। सर मेरे को करवा दो प्लीज। मैं मेरे को कोई ऑफर ही नहीं की कभी किसी ने। हम चाहते हैं कि आप आ जाइए एक फिल्म में, जरूर आप रहिए, मैं रहूं, खेसारी जी रहे और दो हीरोइन रहे। अब हम तीनों में डिसाइड होगा कि कौन दो हीरोइन लेगा और कौन जाएगा। आप पुराने, ये बंदे पुराने पापी, ये ले जाएंगे। हाँ, फिर नहीं तो हम आपको ट्रिक सिखाएंगे ना सर। वो तो पहली फिल्म में तो मैं सीखते रह जाऊंगा ना, आप ले जाएंगे। अभी सिखा देते हैं ना सर। अच्छा जी, कैसे कैसे, मतलब जैसे मान लीजिए ये हीरोइन है, मान क्या लूंगा ही। आने वाली फिल्म की, आने वाली फिल्म की, और ये आपसे लिफ्ट मांगेंगी। ओह गॉड, ओह गॉड, आइए। सर आपसे ये लिफ्ट मांग रही हैं। चलिए। और आप इग्नोर कर रहे हैं मुझे। मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ जी, ये कहानी गलत है। अब इतनी दूर आए हैं, अंधेरी तक छोड़ दीजिए। क्या बात है यार, क्या बात है, मजा आ गया।